दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक्स के स्टॉक के बारे में। भारत डायनेमिक्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको यहाँ पर स्टॉक में क्लियर एक फ्लैग एंड पोल ने फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस पैटर्न को ब्रेक करता है देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेजी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.75% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1781 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक है 1928, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेजी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2150, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2300, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 25, और उसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2600-2700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1670 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1573, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1450 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।